नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद डेड बॉडीज की पहचान कैसे की जाती है? किस तकनीक से बिना चेहरे की पहचान हुए व्यक्ति की पूरी जानकारी पता लगा ली जाती है? ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का जनक डॉक्टर लालजी सिंह को कहा जाता है? ये तकनीक भारत में पहली बार राजीव गांधी की मौत के बाद अप्लाई की गई थी और उनकी हत्या के बाद सुसाइड बॉम्बर शव के टुकड़ों को पहचान कर कातिलों का सुराग दिया डॉक्टर लालजी सिंह ने। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक डॉक्टर लालजी सिंह की आज 75वीं जयंती है। डॉक्टर लालजी सिंह का जन्म 5 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कलवारी में हुआ था। ग्रामीण परिवेश से निकले इस मेधा ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अमेरिका की मशहूर पत्रिका नेचर ने 2009 में उनका शोध पत्र प्रकाशित किया तो पूरे विश्व ने उनकी मेधा का लोहा माना। बीएचयू के स्टूडेंट रहे डॉक्टर सिंह यूनिवर्सिटी के वीसी बने तो उन्हें विश्वविद्यालय के विकास में दूसरा मदन मोहन मालवीय कहा जाने लगा। अगस्त 2011 में कुलपति नियुक्त हुए और महज ₹1 वेतन पर 2014 तक कार्य किया। ये भी एक अजीब संयोग रहा कि 10 दिसंबर 2017 को घर से हैदराबाद जाते समय बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें सर सुंदरलाल अस्पताल बीएचयू लाया गया जहां पर डॉक्टर लालजी ने अपनी अंतिम सांस ली। डॉक्टर सिंह के सबसे खास टॉप 5 केसेस में राजीव गांधी मर्डर, बेअंत सिंह, स्वामी नित्यानंद हत्या, टूरिस्ट डायना और मधुमिता हत्याकांड शामिल है। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। वर्तमान में पहचान ढूंढने के तरीकों में फिंगरप्रिंटिंग सबसे बेहतर मानी जाती है। जीव जंतुओं, मनुष्यों में विशेष संरचना युक्त वो रसायन जो विशिष्ट पहचान प्रदान करता है उसे डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इस पद्धति में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे कि रक्त, बाल, लार, वीर या दूसरे कोशिका स्रोतों के द्वारा उनके डीएनए की पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विशिष्ट डीएनए क्रम का प्रयोग करता है जिसे माइक्रोसेलेलाइट कहा जाता है। माइक्रोसेलेलाइट डीएनए के कुछ छोटे टुकड़े होते हैं। शरीर के कुछ हिस्सों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। पर विशेषज्ञों की माने तो डीएनए आधारित जांच प्रक्रियाओं के संदर्भ में कुछ चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। जैसे कि डीएनए विश्लेषण तकनीकी प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए कुशल विशेषज्ञों और उपयुक्त तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता होती है। भारत की बात करें तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित क्षमताओं के मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं है। विशेषकर देश में डीएनए लैबों की सीमित संख्या का होना एक चिंता का प्रमुख विषय है। इसके अलावा डीएनए लैबों में संग्रहित किए जाने वाले डीएनए सैंपलों के लीक हो जाने की दशा में व्यक्ति के निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के निजी सूचनाओं को सुरक्षित रखना आदि। एक ओर जहां विशेषज्ञों द्वारा ऐसी समस्याएं जाहिर की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके समाधान के कुछ उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। जैसे सरकार और पुलिस को जांच प्रक्रियाओं और डीएनए तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अवसंरचनागत निर्माण और अन्य संस्थागत पहल करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से देश भर में डीएनए लैब और उससे जुड़े तकनीकी की उपलब्धता और एक डाटाबेस का निर्माण, इसके साथ ही विधि विशेषज्ञों के मुताबिक डीएनए जांच प्रक्रिया को सुगमता पूर्वक उपयोग करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1878 में भी संशोधन की आवश्यकता आदि। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।